alpha particle and a proton moving with same speed enter the same magnetic field region at right angles to the direction of the field. Show the trajectories followed by the two particles in the region of magnetic field. पहले ट्रैजेक्टरी बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि जा कैसे रहे, तो फोर्स देखो क्यू वी क्रॉस बी. चलिए पहले बात करते हैं प्रोटॉन की. प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई, वेलोसिटी किधर है आई कैप और बी किधर है माइनस का के कैप अंदर है. तो ई वी बी आई क्रॉस माइनस के होता है प्लस का जे, क्योंकि आई क्रॉस के माइनस जे होगा, माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस, तो भाई इस पे तो ऊपर लगने वाला है. तो ये बात तय हो गई एल्फा में भी ऊपर लगेगा, क्योंकि एल्फा का भी चार्ज जो है वो पॉजिटिव ही होता है. लेकिन एक फर्क है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू टाइम्स होता है प्रोटॉन के, बाकी सब कुछ सेम आएगा वी आई क्रॉस बी माइनस के, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है. तो आंसर आएगा टू ई वी बी जे क्या. अब हम ट्रैजेक्टरी बना सकते हैं और हम चलो ये तो हो गया, हमें तो फोर्स बता दिया आपको कि ऊपर लग रहा है, ये फोर्स आपको रेडियस नहीं बताएगा. तो रेडियस बताने के लिए क्या है, ट्रैजेक्टरी बताना है कि कौन किसका ज़्यादा रेडियस होगा, उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं एम वी बाय बी क्यू. ओके सो यहाँ पे मास किसका, अल्फा पार्टिकल का ले लेते हैं पहले अल्फा, और चार्ज भी अल्फा का, तो चार गुना तो मास होता है प्रोटॉन से, वेलोसिटी अपॉन बी, और चार्ज अल्फा पार्टिकल का टू टाइम्स प्रोटॉन का होता है, तो टू से टू कैंसिल, तो कितना आया टू एम पी वी बाय बी क्यू पी, ये आर एल्फा आ गया. तो हम देखा आर एल्फा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर प्रोटॉन. ठीक है, अब इसको इसी चीज को हम बना भी लेते हैं. एक पहले हमने चेक किया कि दोनों के लिए जे पैक जे कैप आ रहा है, अब बाद में रेडियस के फॉर्मूले से हमने चेक किया कि अल्फा पार्टिकल का रेडियस दुगुना है प्रोटॉन से, तो ये एस से निकल आएगा बाहर, और ये भी क्योंकि ऊपर दिखाना था तो हमने ऊपर बनाया जे कैप, ये है ना, ये इनसाइड के ये आई है और ये हम जे दिखा रहे हैं. प्रोटॉन का रेडियस आधा है, आप देख सकते हैं इतना रेडियस है, तो थोड़ा कम कर दो लो. दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन.